पूरी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग भाई, पोर्शन 911 के साथ। ये काटा हमने ओली का दिल, मतलब जैक तो नहीं है। गाइस वेलकम बैक हो गया सभी लोग कांशु फिश व्लॉग्स के एकदम ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली इन आर सुपर कार। बिल्कुल सही भाई, द करेरी में हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली आज। इसमें पहला मॉड बोल सकते हैं, फिर पहला चेंज बोल सकते हो होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है गाड़ी में, सही बताऊँ तो, जो कि होने वाला है PPF, क्योंकि ये तो खैर रोस है। बट सीन क्या होगा ना कि गाड़ी में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हल्के हल्के ना, अगर मतलब बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, दिख नहीं रहे वैसे। बट मेरे को पता है कि गाड़ी में ना हल्के फुल्के खरोचे, कंकड़ उड़ के वो सब चीज़ें आ रही है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें। अभी तक का PPF नहीं हुआ है, तो अभी इसको ले जाते हैं दिल्ली आज, और उसके बाद जाएंगे हम तो वैसे जयपुर जा रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मीटअप ये सब चीज़ें कह लो, बट उसके लिए जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इतने दिनों में फिर इसको दिल्ली छोड़ दूंगा मस्त करके, और वहाँ पर काम वाम करवा लूँगा, तो वो चीज़ सही जाएगी। तो चलो आज हम लोग इसको लेके जाने वाले दिल्ली। भाई मेरे फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तुमने देखा था कोहरा हो रहा था। आज मैं बहुत लेट निकल रहा हूँ, तो एकदम खुला आसमान सब कुछ मिल रहा है, तो अच्छे से ड्राइव करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे कि समझ रहे हो ना, मतलब वो सब कहाँ से निकल पाती आराम से, तो जो भी होगा जैसे भी होगा वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। अभी तो कुछ खाते, बहुत तेज भूख लग रही है, और उसके बाद निकलते हैं अपनी करी करारी को लेके। एक काम करते हैं, इसको ना कोल्ड स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं रखने को यहाँ भी रख सकता हूँ, इसमें आराम से आ जाएगा, दिखाऊँ तुम्हें। ये देखो अगर मेरा डफल बैग की बात हो तो ये प्यार से आ जाएगा इसके अंदर। बट दिक्कत वही हो रही है कि इसमें स्पेयर टायर पैसे से है, जो कि मैं निकालना नहीं चाहता हूँ, वो भी पहली ट्रिप पर। तो इसको रख कर देते बंद, और अब इसको डालना है हमने कैसे भी पीछे। दोस्तों ड्राइवर सीट से इसलिए डालो क्योंकि उस साइड से हैरियर है ना, तो हैरियर में आएगा नहीं। चलो, अरे ये घूमते पड़े थे थोड़े से, इसको हटा देता हूँ। चलो भाई लेट्स सी कैसे आएगी, सीट गिरा देते हैं, ठीक है ये वाली भी। अरे भाई साहब वहाँ जाना पड़ेगा, देयर वी गो, सीट गिरा दी, काफ़ी जगह हो गई मेरे हिसाब से। अब इसको बस ढंग से बिना घिसे गाड़ी को अंदर, बस हो गई कोल्ड स्टार्ट। अभी ये 1500 RPM पे चल रही है, फिर ये गिर के आएगी अपना 500 या 800 RPM पे, तब पता जाएगा ये कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। और क्या लगता है भाई इसका ये सेंट्रल कंट्रोल सब कुछ ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त भाई, क्रेजी भाई, बहुत ही मतलब प्यारी गाड़ी है। माइलेज के नाम पे कुछ नहीं दे रही, 64 लीटर का टैंक है इसका। अब 64 लीटर का टैंक कल रात को फुल कराया मैंने, फुल टैंक का 208 की माइलेज बोल रही है। 64 लीटर पेट्रोल में 208 जाएगी बल भाई, इसको दिखाता हूँ मैं आज कैसे चलाते गाड़ी। 70, 80, 60, 50 में चलाऊंगा, और फिर देखो तुम, इसने मेरे को पूरा दिल्ली तक नहीं छोड़ा ना, फिर देखना। तो दोस्तों ये आ चुकी है अपने 600 RPM में मस्त करके, तो कोल्ड स्टार्ट इसका कम्प्लीट हो चुका है। थोड़ी देर और इसको रनिंग छोड़ेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे, खैर मेरे को खाना भी खाना है अभी। बट भाई साहब यार ये देख रहे हो तुम, ये भाई मजा आ जाता है यार, कसम से बताए। आओ मम्मी जी तो खाना भी लेके आ गई, मम्मी आज आलू पूड़ी, ओ मामी लोग आ रहे हैं ना। अच्छा तो यार मम्मी का बेटा जा रहा है दिल्ली, लग रहा है मम्मी ने कहा यार कुछ अच्छा खा के जाए। चलो बढ़िया यार मेरी क्यूटी। चलो मस्त करके खाते हो, रे भाई साहब पनीर वनीर भी बना हुआ है आज तो, आज तो पार्टी होगी जाने से पहले ही भाई। चलो चलते हैं इसको खाते हैं फिर निकलते हैं। तो चलो गाइस इट इज फाइनली टाइम टू गो, चलते हैं फटाफट से गेट वेट खोलते हैं और लेके चलते हैं अपनी करी करारा को सीधा दिल्ली। चलो दोस्तों हल्का सा गुड़ भी खाते हैं, अब निकलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ। अब चलते हैं और मिलते हैं सीधे दिल्ली। गाइस हम लोग आ चुके हैं रोड पे, मस्त करके चला रहे हैं, और जैसे कि तुम्हें पता है हर जगह पे बेवकूफ लोग तो होते ही हैं। अब ये देखो कैसे ओवरटेक कर रहे हैं एकदम भीड़ वाली जगह पे, जितनी भीड़ हो सकती है वहाँ पे। बट भाई ऐसा नेक्स्ट लेवल हो रहा है ना, लोग मतलब ऐसा कैसे बताऊँ, बैंक वो देखा तुमने, वो बंदा वीडियो बना रहा था, उसको मैं पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, बट वो फिर भी वीडियो बना रहा था। मतलब ऐसा आदत है कि बहुत लोग ऐसे घूरते उड़ते जाते हैं, वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की बहुत नॉर्मल है, मतलब सीधी सी बात है। बट ये बहुत अलग है भाई, कि मतलब हर कोई, भाई हर कोई, तुम समझ रहे हो ना, मतलब
ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो देख नहीं रहा है भाई। कितने लोग तो गाड़ी रोड पे रोक दे रहे हैं भाई अपनी, तुम समझ रहे हो, कितने लोग अपनी गाड़ी रोड पे ही रोक दे रहे हैं भाई देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है। वैसे मैं मानता हूँ कि भाई रोड पे जाए हवाई जहाज चलेगा तो फिर लोग तो देखेंगे, बट नेक्स्ट लेवल सी। मजाक से हटके ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लाइक स्पोर्ट्स सुपर कार है भाई, मजाक से हटके। खास करके ये चीज जो है ना, ये जो लाइक थाई रेस्ट आ रहा है ये आगे को आ जाता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा कूल है इसकी। और क्या मजा है भाई इसको चलाने में, जय हो प्रभु भाई, क्या मजा है भाई इसको चलाने में, सही में भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील है भाई। मतलब तुम्हें पता है ना कि तुम देखो, जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं चला रहा हूँ अपना आराम से 10-20 ऐसे करके चल रही है गाड़ी, बट मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुमने एक पंजा दबाया तो ये उड़ भी जाएगी, तो ढंग से चलानी है, तो वो चीज़ अलग है। वो बहुत मस्त यार, बहुत मस्त, मज़ा फुल मौज। तो दोस्तों हम ज़्यादा दूर नहीं आए, अभी मुझके 10 किलोमीटर या ऐसा कुछ आए होंगे। मैंने तुमसे बोला था ना माइलेज निकाल के दिखाऊंगा, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ माइलेज। ये देखो भाई 208 दिखा रहा था राइट, अब देखो 209। और अभी तो तुम देखो भाई, अभी तो तुम देखो जब हाईवे पे चलेगी ना एकदम स्लो स्टडी रेस पे 60-70 ऐसे करके भाई, फिर देखो तुम कैसी माइलेज निकालते हो। इस आज एक फुल टैंक पे पहुंचूंगा मैं दिल्ली भाई। 3 की एवरेज दे रही है 2.8 की एवरेज दे रही है अभी तक का, तुम्हें पता है ये बात, 2.8 की एवरेज भाई, आधे आधे टैंक में 84 बता रही, 64 लीटर का टैंक है भाई साहब। अभी चलो देखते हैं, अभी बताता हूँ रास्ते में क्या सीन हो रहा है। भाई ये क्या हो गया, तुम लोग देख रहे हो घर तक का भाई एकदम धूप थी, कड़क धूप, ऐसी धूप की मजा आ गया। और अभी देखो कैसे कोहरा हो रखा है बिल्कुल यार, ये देख रहे हो तुम लोग, ओ भाई साहब सामने कुछ नहीं दिख रहा, वो देख रहे हो तुम लोग, वो पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वो देखो वो सामने है, ये फोन में तब भी दूर दिखा रहा है ये। ओ भाई साहब यार ऐसा क्या कोहरा हो गया ये, अबे यार जिस दिन लाया था उस दिन भी कोहरा हो रहा था, आज ले जा रहा हूँ तब भी कोहरा हो रहा है, मतलब फुल एक्सपीरियंस नहीं ले पाऊंगा मैं अपनी कर्री करारे का कभी है, ऐसी लग रहा है मेरे को तो अभी यार। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता भाई मैं कितना खुश हूँ अभी, पता है तुम्हें, मतलब अलग ही फीलिंग हो रही है यार। तुम समझ रहे हो ना यार, अपनी सुपर कार में बैठना चलाना मस्त चल रहे हैं वही रास्तों पे जहाँ पर तुम हैरियर थार भगाते थे, वहां पर तुम लेके जा रहे हो अपनी करारा, तो थोड़ी खुशी तो होती है यार, बनती है मेरे हिसाब से तो बनती है थोड़ी खुशी यार। नहीं भाई ये देखो ये पेड़ था वो जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं दिख रहा, देख रहे हो तुम लोग भाई, बहुत ही और घना होते जा रहा है कोहरा, और खास करके अभी टांडा के जंगल में तो और गंदा हो जाएगा ये सोचो, क्योंकि टांडा के जंगल तो जंगल है ना प्रॉपर, यहाँ तो तब भी एक बारी को थोड़ा बहुत चीजें चल रही हैं तो कोहरा हट रहा है, वहां तो भाई ऐसा कोहरा होने वाला है ना, डर लग रहा है मेरे को सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अब फिर से वही करना पड़ेगा, धीरे धीरे चला के ले जानी पड़ेगी ढंग से एकदम, तब जाके कुछ हो पाएगा। को मतलब हम लोगों ने टांडा का जंगल पार कर दिया, सही बताऊं उतना ज्यादा कोहरा नहीं था भाई पेड़ों की वजह से, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने मेरे को याद आया कि जहां पर ज्यादा खेत वेत होते हैं वहां पर ज्यादा कोहरा होता है, डेंस कोहरा होता है, पेड़ वेड़ फिर भी एक बारी को मेरे को नहीं पता कैसे काम करता है भाई, मैं वो नहीं हूँ साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ बट स्टिल। और बाकी भाई मेरे को इस गाड़ी में एक चीज पता चली है, सुपर कार होती है ना उनमें एक चीज बहुत दिक्कत देती है कि तुम्हें हल्की हल्की चीजें भी ना तुम्हारे टायर में बहुत ज्यादा फील होती है, मतलब जैसे टायर में अगर कोई रोड़ी आई तो वो मेरे को बहुत ज्यादा जोर से सुनाई दे रही है, वो पता नहीं इसी गाड़ी में खाली या फिर क्या है, बट जेन्युइनली हो रहा है, मतलब जैसे ना हल्की सी रोड गंदी है बस, तो मुझे पूरी रोड की, अगर मैं गाने नहीं चला रहा हूँ वैसे तो मैंने हनुमान चालीसा ये सब चला रखा है, तो लेकिन अगर रोड की मतलब समझ रहे हो, अगर रोड हल्की सी खराब है ना घर 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 करके आवाज आ रही है, लेकिन भाई वो एग्जॉस्ट की साउंड फिर यार तुम्हें पता ही डरा क्या ही क्या ही मजा आता है भाई, मजाक से हटके। बाकी मेरे को प्लीज बताना अगर तुम लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि छोटी छोटी अपडेट्स दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ऐसा मजा आ रहा है कि मैं हर एक चीज बता रहा हूँ गाड़ी के बारे में कि कैसे क्या फील हो रहा है, कैसी चीजें लग रही हैं, या फिर तुम लोगों को शॉर्ट शॉर्ट ब्लॉग चाहिए एकदम की पहुंच गए गाइस ये वो करके मेरे को बताना भाई, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ वो चीज शेयर करूँ कि तुम्हें ही पता रहे भाई, किसको पता तुम में से जो एक ब्लॉग देख रहा है भाई वो भी मेहनत करे अपनी जिंदगी में और वो भी एक दिन सुपर कार में घूमे, यू नेवर नो यार, समझ रहे हो ना, तो इसलिए भाई पहले से तैयार कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है सुपर कार में घूमने के लिए। मेरे को तुम्हें एक बहुत ज्यादा मस्त चीज बतानी थी यार, ये गाड़ी भाई बोलती है भाई, मतलब तुम्हें पता है क्या हुआ अभी, ये देखो ध्यान से देखो इसके मैप में देखना, ठीक है वो बॉर्डर बना रहा है, दिख रहा है तुम्हें एक बॉर्डर बना हुआ आ रहा है
भाई ये बोल रही है अटेंशन बॉर्डर हेड, तुम समझ रहे हो मतलब आगे बॉर्डर है थोड़ा ध्यान से, मतलब ये बता रहे कि अब हम उत्तराखंड छोड़ के यूपी घुस रहे हैं। भाई मेरे को पता है बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट मेरे को लगा बता रही मतलब सुनो ऐसा ही एकदम से मैं गाने सुन रहा हूँ वहाँ पे बीबा बज के ऐसे करके और वहाँ पर एकदम से आवाज आती है अटेंशन बॉर्डर अहेड, मैंने कहा है और फिर मैंने देखा हाँ यार यूपी का बॉर्डर आ रहा है, मतलब उत्तराखंड यूपी का बॉर्डर है। ओ भाई साहब मतलब मेरे को पता ही इतनी ज्यादा हो वाली बात नहीं है, बट हाँ मेरे को मजा आया तो मैं सब बता देता हूँ। भाई तो हर दो मिनट मेरे को इसका ना फ्रंट एक्सल लिफ्ट करना पड़ रहा है, ऐसी जगह आ जा रही है, ये देखो ऑफ रोडिंग हो जा रही है भाई, पूरी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग भाई पोर्शन 911 के साथ, ये सेफ सूप करते हुए चलो भाई, ये याद आएंगी बाद में काम आई। भाई इस गाड़ी में बहुत खतरनाक फीचर्स है, मेरे को बताना अगर तुम लोग चाहते हो एक वीडियो बनाऊं क्रेजी फीचर्स के बारे में। भाई लिटरली ये गाड़ी में 30 लाख के एक्स्ट्रा फीचर्स लोडेड है, समझ रहे हो तुम लोग, गाड़ी तो है ही उसके साथ 30 लाख रुपीज के इसमें खाली वो है क्या कहते हैं उसे फीचर्स लोडेड है, जो तुम आफ्टर मार्केट लेते हो ना जैसे गाड़ी में एक्सेसरीज लगाते हैं वो क्रोम रोम, तो इसमें ये सब ले सकते हो तुम, जैसे फ्रंट एक्सल अप करने वाला है तो अभी हम लोग चल रहे हैं लिटरली ऑफ रोडिंग हो रही है तुम लोग। भाई तुम्हें पता नहीं एक तो बहुत नीची गाड़ी भी है, जैसे मेरा हाथ हिला और गाड़ी हिली है तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसी ऑफ रोडिंग चल रही है भाई यहाँ पे, एकदम खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग भाई, पता नहीं कैसे लेके पहुंचूंगा मैं, बट अब निकाल दिया है तो पहुंचना तो है भाई। चलो भाई ऐसा जाम लगा हुआ है, फाइनली थोड़ा सा मिला, फाइनली जाम लगा हुआ है गाइस। ये देखो खुद से फ्रंट एंड लोअर के, भाई यार इसमें बहुत खतरनाक फीचर्स हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ एक डेडिकेटेड ब्लॉग या फिर कुछ बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें सारे फीचर्स समझाऊंगा इसके और इसमें क्या क्या लोडेड है गाड़ी को छोड़ के, तुम समझ रहे हो। गाड़ी तो पोर्शे क्या करता है मैं बताता हूँ तुम्हें, जो गाड़ी का प्राइस आता है ना उस गाड़ी में तुम्हें बस गाड़ी देता है, फिर ये स्पोर्ट्स क्रोनो ये सारी चीजें तुम्हें अलग से खरीदनी पड़ती हैं, और ये कितने की आती हैं मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, अगर तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट करो। गाइस पहला स्टॉप है कोयला टोल पे, क्योंकि गाड़ी में अभी तक का फास्ट टैग नहीं लगा हुआ था, तो अभी भैया के यहाँ से फास्ट टैग लगवा रहे हैं, फिर वरना वो लास्ट टाइम जैसे मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता लास्ट टाइम कैसे करा था हमने भाई पीछे हैरियर, चलो छोड़ो तो वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, बट अभी फटाफट से इसमें एक बढ़िया सा फास्ट टैग लगवा लेते हैं। अच्छा अच्छा भैया कह रहे हैं फोटो खींच दो मेरी एक, ये लो खींचो फोटो खींचो, देखो भैया लोग अपनी फोटो वोटो करवा रहे, खींचो यार मेरे को फास्ट टैग लगवाना था वो लग गया। गाइस पहला टेस्ट होने वाला है गाड़ी का, फास्ट टैग लग चुका है, लेट्स होप पैसे कट भी जाए और गाड़ी पार भी हो जाए, क्योंकि नीचे भी है ना थोड़ा सा उसमें भी डर लगता है, बट लेट्स सी क्या होता है, प्लीज पार हो जाना प्यार से प्लीज, अभी बनाए जस्ट अभी बनाए हो जाए यार, ये खुल गिन रहा है भाई डर लग रहा है मेरे को, ए खुल गया, ओए काम करके फास्ट टैग लग जाओ। और भाई लोग ऐसे खुश होते हैं ना गाड़ी को देख के, मेरे को बड़ी खुशी होती है यार, मतलब दो मिनट में फास्ट टैग, लोग वहां कह रहे भैया आपको रुद्रपुर में देखा चलाते हुए, हम तो बस सोच रहे थे कि एक बार रुक जाओ तो हम लोग गाड़ी के साथ फोटो खींचा ले, भाई ऐसा खुशी होती है ना भाई, मतलब तुम्हारे पास ऐसी चीज है कि लोग मतलब समझ रहे हो ऐसे क्रेजी हो जा रहे हैं पागल हो जा रहे हैं उसके लिए, मतलब करिए यार मेहनत करिए जिंदगी में, और चीज है भाई करनी कर रहा तुम्हें पता है चीज है, मतलब मजा आ गया यार, और बाकी थैंक यू भगवान सब चीजों के लिए भाई, मैं बता नहीं सकता मेरी खुशी कैसी हो रही है नेक्स्ट लेवल। गाइज हम लोग काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, अभी 2 घंटे और दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट कितना 128 किलोमीटर और है, और ये गाड़ी अभी दे रही है हम लोगों को 5 की माइलेज, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे वो देख रहे हो एवरेज कंजम्पशन वाला, तो ये गाड़ी दे रही है हमें 5 की ऑलमोस्ट 5 की माइलेज, मतलब अगर इसको मैं ऐसे करूँ ना कि हाईवे में 60-70 डाल दूँ फिर एक्सीलेटर छोड़ दूँ फिर चलने दूँ उसको खुद ही, तो ये आराम से 5 की माइलेज भी दे रही है, और अगर मैं इसको और ढंग से चलाऊँ जैसे मैंने बताया अभी, तो अब बोल रहे हैं मेरे दोस्त लोग कि 11-9 तक की माइलेज भी दे सकती है, बट वो ट्रैफिक आ जा रहा है ना फिर एकदम से तो रुक जा रही है गाड़ी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, बट मस्त भाई बहुत 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 मजा आ रहा है भाई सही में बता तुम्हें, थोड़ा सा मन भी कर रहा है कि खाली रोडे मिले, बट ठीक है मजा तो पूरा आ रहा है। बट तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं
दिल्ली में, और भाई यहाँ पर मेरे को नहीं पता है कोहरा है पॉल्यूशन की कायदे, धूप हो रही है और तुम लोग मेरी शक्ल देख सकते हो भाई, गर्मी हो रही है, मेरे को पसीने छूट रहे थे, मेरे को लग रहा है पॉल्यूशन ही है, बट मेरे को लग रहा है वैसे धूप की वजह से कम होगा। बट भाई जो मजा आया ना, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, जो इस गाड़ी में मजा आया ना भाई दिल्ली आने में, नेक्स्ट लेवल भाई। अभी इसको जाके हम लोग देंगे पीपीएफ और सारी चीजें, क्योंकि सीधी बात है गाड़ी खराब होने के चांस रहते हैं ना, मतलब गाड़ी में छोटी छोटी चिपिंग से भी बहुत दिक्कत हो जाती है, छोटे से पत्थर लगेंगे पेंट में दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए बाकी चलते हैं भाई फटाफट से। भाई सही में कोहरा नहीं है बेटा ये तो वो है, कोहरा भी हो सकता है वैसे, या फिर पॉल्यूशन है पता नहीं, बेचारे दिल्ली वालों को खुद समझ में नहीं आता होगा कि ये कोहरा है पॉल्यूशन है। बट मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, इस गाड़ी को चलाने में ना बहुत दिक्कत है, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि बहुत थकान हो जाती है, क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको ये देखो, ये देख रहे हो जी फोर्स वाली चीज भाई, तो ये गाड़ी ना ऑलमोस्ट आधा जी फोर्स बनाती है, आधा या एक मेरे को नहीं पता, बट जब आप भगाते हो इसको थोड़ा खींचते हो तो ये आधा जी फोर्स बनाती है। फिर तुम्हें पता होगा ना जी फोर्स से क्या होता है, जितना होता है, जितना मल्टीप्लायर होता है उतना तुम्हारे वेट होते रहता है, बढ़ते रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली। तो उस हिसाब से भाई इतनी ज्यादा थकान हो रही है ना मेरे को, मैं मजाक नहीं कर रहा, नॉर्मल जैसे मैं हैरियर एयर में आता था तो उसमें इतना थकान नहीं होती जितनी इसके अंदर हो रही है मेरे को भाई, बहुत बहुत ही मतलब, लेकिन पता नहीं यार चलाने में जो मजा आया ना, और अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं, जयपुर की फ्लाइट भी है कल सुबह सुबह की, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बट यार कर रही करा रहा मैं बैठे यार, जो भी होगा जैसे भी होगा देखा जाएगा भाई, जो ही फन हो रहा है ना भाई, लव इट यार। तो गाइस हम लोग नोएडा पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं, पहले कुछ खाते, बहुत तेज भूख लग रही है, फिर एक दो काम निपटाने वो निपटाएंगे, बट पहले तो देखते हैं यहाँ से एंट्री कहाँ से है, अंदर कहाँ से जाना है भाई, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को। गाइस हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच गए थे, यहाँ पे हम लोगों ने करारा खड़ी कर दी है और हम लोगों को मिले कुछ भाई, भाई बर्थडे बॉय कौन है इनमें से, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। तो अभी काम वाम करते हैं, आ जाओ फोटो खिंचालते हैं, गाइस गाड़ी वाड़ी लगा दी थी, अब चल के कुछ खाते हैं यार, बहुत तेज भूख लग रही है, अब बहुत तेज पता है। गाइस ये देखो भैया इसमें क्या ले जा रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग, मन कर रहा ना ऐसे गाड़ी इसको रेस ट्रैक पर उड़ा दूं क्या, क्या बोलते हो जाए भैया से एक बार परमिशन ले लेते हैं फिर चला देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई क्या मजा आएगा, तुम सोच रहे हो मतलब पूरा फोर्ज हॉराइजन हो जाएगा यहीं पे यार, टू मच फन, अभी कुछ नहीं खाया, कुछ काम आ गया जरूरी, पहले वो कंप्लीट करते हैं फिर खाते हैं। तो वैसे मैं रास्ते के लिए लेके आया था क्योंकि रास्ते में भूख लगी, बट रास्ते में लगी कि मम्मी ने खाना कुछ याद आया था बढ़िया करके, तो अब ये घुघुते अभी खाएंगे हम लोग, जो भी नॉन पहाड़ी लोग है भाई तुम्हें किसी दिन अच्छे से समझाऊंगा कि ये घुघुते क्या होते हैं, कैसे बनते हैं सब कुछ, मजा आया था लेकिन खा के मजा। तो गाइस ये हम चला रहे हैं अपनी करेरा और हमारे बगल में चली देखो जेड प्लस सिक्योरिटी, वो देख रहे हो ये दो मुस्टंडे भाई, विनीता दिखी नहीं, अरे बाबा, अरे बाबा जल्दी चलो जल्दी चलो, लोग गाली दे रहे भाई चलो भाई, पर क्या मजा है भाई, क्या मजा है भाई, ये सुनो ना तुम तो। देख रहे हो मतलब भगाने की जरूरत नहीं है, ये सुन रहे हो यार, ये देखो देख रहे हो इसको, ये देख रहे हो इसको, ये देखो हरकत है इसकी भाई, लेकिन कसम से बता इतनी स्टैंडर्ड साउंड है ना, मतलब मजा आ जा रहा है भाई, और बस ये एक ही मजा इसमें नहीं आ रहा है, ये जब ऐसे ब्रेकर आ जा रहे हैं और फिर तुम्हें काट कूट के निकालनी पड़ रही है, बस उसी में मजा नहीं आ रहा है, वरना जो मजा आ रहा है ना भाई तो तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोग एक्चुअली दिल्ली आके कर क्या रहे हैं, हम लोग कायदे से कल की फ्लाइट है जयपुर की, ठीक है, तो हम आए तो उसके लिए, बट थोड़ा सा काम वाम था ही, अब मैंने सोचा कर ही लेते, उसको भी निपटा ही लेते एक दिन एक्स्ट्रा आके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं और वही भाई ब्रेकर से काट काट के निकालो, फिर थोड़ी सी मिलेगी, बस थोड़ी सी भगाओ, आवाज सुनो, मजे करो और उसके बाद दोबारा से अगले ब्रेकर के लिए रुको। बट भाई सही में पता इतनी एलिगेंट साउंड है ना, मतलब ऐसे समझ लो, मैं करवाऊंगा कुछ जिसमें देखते हैं थोड़े क्रैकल्स वो सब आए, बट भाई इतनी एलिगेंट साउंड है ना, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, देखो रेडी, भाई ऐसी स्टैंडर्ड एकदम भाई, ऐसा लग रहा है हाँ कोई फ्लैट सिक्स इंजन है 3 लीटर का तगड़ा एकदम भाई निकाल रहा है आवाज 4 एग्जॉस्ट से भाड़ भूड़ करके, और फिर आ गया देखो हमारी जान का दुश्मन एक और ब्रेकर, पर ये तो इससे तो निकल जाएगी आराम से भाई, बहुत प्यार से निकल जाएगी इससे, तो मजा इससे आराम से। गाइस अभी के लिए यहाँ पर खड़ी है हमारी कर्री करेरा, थोड़ा सा कुछ काम धाम है वो करके आते हैं, बट
क्या लग रही है भाई, मजा आ गया ना। हाँ, दो मिनट इसको चाबी दे के बेटा, इतना मारूंगा ना साला चोर भाई, क्या लग रही है देखो यार। आए हाय करी करारा मैं सदके जाऊं। कैसी लग रही है गाड़ी, अच्छी है, बढ़िया है ना? वो भाग गया, वो तब से चिल्ला रहा था, ओह माय गॉड टुरु लो, मेरे चिल्ला रहा था भाई। मस्त है, अभी चलते हैं, एक जगह से काम हुआ अब दूसरी जगह चलते हैं सीधे। अभी लादर है, क्या हाल है। तो गाइस मेरे को नहीं पता तुम्हें दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर ना ये देखो, हाँ देख रहा है, ये देख रहा हूँ ये भाई, इसको पीपीएफ की बहुत जल्दी जरूरत है भाई, इसको फटाफट से पीपीएफ करवाते हैं, वरना ये गाड़ी की ना ऐसी तैसी हो जाएगी कुछ टाइम में। चलो भाई अब कुछ बढ़िया सा खाते हैं भाई, मैं तो फार्म हाउस खाऊंगा, कौन क्या खा रहे बताओ। चलो ये देख रहे हो इसकी जैसी शक्ल वैसी हरकतें भी है इसकी। क्या खिला रहे भाई, बाकी जेब से बहुत मोटा बंदा है ये, लेकिन बताता नहीं है बेटे। क्या खाना जल्दी बताओ, चीज बस, चीज बस ना। अभी हम लोग हैं दिल्ली में और हम लोग जैक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जैकुला था पादुला, सभी लोग स्ट्रीम पे हाय बोल दो चैट को, मतलब सॉरी ब्लॉग को, और ब्लॉग सबको हाय बोल दो स्ट्रीम को। मेरे को नहीं पता है कैसे काम करेगा भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट लेट्स गो, आ जाओ भाई। चलो जैक का हैप्पी बर्थडे आज, जैकुला था पादुला। जैक है कहाँ, लेकिन कुछ मैसेज आया इसका, तुम्हारी डिग्गी में पीछे कुछ भी नहीं, मेरी पीछे डिग्गी नहीं है इसमें, आगे होती है पीछे इंजन है उसमें। चलो रेडी, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे जैकू, हैप्पी बर्थडे पादू, हैप्पी बर्थडे जैकुला द ड्रैकुला, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये वो ये काटा हमने ओली का दिल और, और ये निकाल दिया इसको जैकुले को बाहर। अरे बाप रे नहीं यार, लेकिन बॉब तो जाके अगर तुझे देख रहा है तो बॉब तो यहाँ है दिल में, ओली के दिल के बीच में। अरे बाप रे बात नहीं कर रहा ना, बोल नहीं रहा ना, आया नहीं है, इसका बर्थडे मना रहे हम करारा के ऊपर केक काट के, दिखाना एक बार पीछे को होके करारा के ऊपर खड़े होके केक काट रहे हम लोग, देख रहे हो तुम लोग, और ये आया भी नहीं है। आ जाओ भाई, ये लो आओ। चलो भाई सबसे पहला हम लोग रॉनी को खिलाना चाहेंगे। और भाई 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 ये लो रॉनी का जूता एक ही जगह भाई, ब्रश किया ना। अब देखो खाना तो पड़ेगा यार, दातुन करता हूँ मैं। चलो यार आप ही खा जाओ, विनीता ने पगड़ार छोड़ा भी नहीं भाई, पगड़ार छोड़ा भी नहीं। चलो मेरे मैनेजर मतलब जैक के मैनेजर भाई बराबर ही। चलो भाई ये लो हर्ष जी, केक खाओ केक। मेरी बारी में अच्छा प्यार दिखा ना भाई, खाओ यार। सुनो एक काम था, इसको फोन देना, ये देखना ये क्या है थोड़ा पास से, ये यहाँ पर भाई ऐसा गाड़ी के ऊपर ऐसे फोन वोन मत रखो यार, गंद खराब हो जाएगा ना फोन। अब पहले लाइन से बैठो, मेरे को पता होना चाहिए कितने केक काटने मिले, कितने पीस काटने, सारे आ जाओ। हेलो हेलो कैसे हो, मुझसे कोई जैक तो नहीं है पक्का? चलो ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पीसेस काटने हमने। चलो भाई ओली के दिल के टुकड़े हो रहे हैं और एक एक सब में बट रहा है भगवान। जैक अब भी नहीं आया तो क्या आया यार, भाई मुझे तो डर लग रहा है जैक कहीं यहीं कहीं है। अब सोचो जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हारे क्या होगा भाई, गेम में बजा देगा वो तो मुझे। 1 2 3 4 5
कोई बात नहीं, आओ रहा एक और बच रहा है, किसने नहीं खाया? किसी किसने नहीं खाया? किसी को? हेलो, थैंक यू भैया, वेलकम। चलो चले। हाँ तो भाई मेरी आंखें से चौंधी आ रही है ना, थोड़ा सा बच्चा बच्चा क्या बात है। बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, अगली बार पक्का भैया। बहुत तेज चलाओ। अरे भाई यार नहीं यार, बहुत तेज चलाऊं, ऐसे मत करो यार। बाय बाय, बाय बाय ब्रो। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी को देने के लिए डिटेलिंग बुल्ज में। भाई ये लगेगी ना? नहीं लग रही? नहीं, पक्का? थोड़ा सा डर लग रहा है, सीधी ले आता हूँ और फिर लेफ्ट काटेंगे। देर भी को गाइस गाड़ी आ चुकी है, अब इनको थमा देते हैं, जैसे करना है जो करना है करो। तो गाइस आ चुकी है अपनी गर्री करा रहा है, यहाँ पे मस्त करके काम वाम करवाएंगे। भाई इसमें बहुत चीज़ें लगेंगी, मैं मजाक नहीं करूँगा। पहले तो एक क्लीन होगी, वो जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था एक हल्का सा स्क्रैच जैसा, वो भी हटेगा, पता नहीं, दिख नहीं रहा है अभी क्लियर, बहुत ज़्यादा ही लाइट्स हैं यहाँ पे। ओह भाई तू भी चमक रहा है यहाँ तो नहीं यार तेरे को कौन से डेंट आ रहे हैं विनीत, ये भी चमक रहा है यहाँ पे विनीता के बीपीएफ करना पड़ेगा भाई, मस्त क्रेजी इसको करते भाई। क्या क्या लग रही है भाई जब तुम उसमें देखो ना लाइट्स में, फिर आ रहा है मजा देख के। गाड़ी धुल चुकी है, थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा मार रहे हैं, बट लेट्स होप कि गाड़ी एकदम तगड़ी होके मिले। गाड़ी एकदम तगड़ी होके मिलेगी ना बिल्कुल भैया, आपको ऐसी मिलेगी चमकती हुई, पक्का? हाँ। बाकी इसमें छोटे मोटे जो वो हल्के फुल्के हो रखे वो तो हट जाएगा ना, पहले बफिंग होगी। हाँ। उसके बाद फिर पीछे वो मतलब हो जाएगा, मतलब साफ ना एकदम चमकेगी ना गाड़ी, मतलब बात यार अब आएगा मजा देखते हैं। अभी तक तो गाड़ी भाई बिल्कुल एकदम मस्त लगती है, बट मेरे को पता है मैंने हैरियर के साथ भी ये करा था, जब हैरियर में हमने पीपीएफ कराई थी तो उसके बाद जो चमकी थी ना गाड़ी वो बहुत अलग था, और ये अभी भी जैसे चमक रही है ना अब जेन्युइनली भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी डिटेलिंग बुल्स क्या करके देते हैं, है ना चलो भाई बस बुरा लग रहा है थोड़ा सा ना, ये पहली बार छोड़ रहा हूँ मैं गाड़ी लेने के बाद, ठीक है, तो पहली बार इतने टाइम तक का छोड़ने वाले, दिल ऐसे मान नहीं रहा है छोड़ने में, बट देनी तो पड़ेगी अगर अच्छी होके आनी है तो। चलो अगली बार। इधर ना हम लोग अभी देख रहे थे तो भैया यहाँ पे देख रहे हो ये सब लगा रहे हैं भाई, ये लिटरली इतने कम टाइम में पहली बार लेके आया हूँ मैं बाहर, और उतने में अगर तुम पता नहीं वैसे कैमरे में तो पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पर ना ऐसे छोटे छोटे से डस्ट के पार्टिकल बना रखे हैं, बट देखते हैं अब जो भी होता है, आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ मैं जितनी हो पाती है गाड़ी, है ना, अच्छा कर दूंगा। चलो फिर आपके वाले छोड़ के जा रहा हूँ मैं अब, ठीक है, हमारे यहाँ डन। चलो भाई कर रही करा रहे को छोड़ के जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तीन चार दिन लगेंगे फिर उठाते हैं।